क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन पार्ट 3। चैप्टर फर्स्ट में हम पहले ही कर चुके हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन पहले दो पार्ट्स के अंदर। अगर इसकी वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पार्ट में हम करने वाले हैं पार्ट 3 करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। तो बात स्टार्ट करते हैं करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन की। मोस्टली लोग अनअवेयर होते हैं, उनको नहीं पता होता कि कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है फिजिकल एजुकेशन को एज अ करियर चूज करने के अंदर। क्लास 11 से ही ये टॉपिक डाला जाता है ताकि हम शुरू से ही ये जान पाएं कि हमारे पास कितना बड़ा स्कोप है एज अ करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो बारी बारी से हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है एज अ करियर इन फिजिकल एजुकेशन। बात करते हैं सबसे पहले टीचिंग रिलेटेड करियर्स की। यही सबसे नोन सबसे कॉमन करियर ऑप्शन है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं क्योंकि हमने शुरुआत से ही अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर को, योगा टीचर को, स्पोर्ट्स टीचर को, सबको हमने शुरू से ही देखा है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फिजिकल एजुकेशन जो पढ़ता है वो केवल ग्राउंड में ही काम करता है या एज अ स्पोर्ट्स में ही जाएगा, उन्हीं के ट्रेनर्स बनेगा। तो ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन टीचर्स भी जो होते हैं वो ग्राउंड वर्क भी करते हैं और साथ में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी देते हैं। तो अगर मैं पूरे टीचिंग रिलेटेड करियर को समराइज करूं या डिवाइड करूं तो मैं इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। क्योंकि फर्स्ट होगा एलिमेंट्री स्कूल लेवल, जहां पे फिजिकल एजुकेशन टीचर का काम होता है उनको एड्रेस करना, उनको चीज़ों के बारे में सिखाना, उनके मोटर स्किल्स को डेवलप करना। नेक्स्ट है मिडिल स्कूल लेवल, अब यहाँ पे बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, उनकी मोटर स्किल्स थोड़ी और डेवलप हो चुकी है, अब उनको प्रिसाइज मूवमेंट सिखाना और उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करना, ये सारा काम है फिजिकल एजुकेटर का। इसके बाद बारी आती है हाई स्कूल एंड सीनियर स्कूल लेवल की। यहाँ पे बड़े बच्चे जो है उनकी नॉलेज गेन करवाओ, उनको बेटर लाइफ के बारे में सिखाओ, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, उनको और प्रिसाइज मूवमेंट सिखाओ, कंट्रोल का बहुत अच्छा होगा अपनी बॉडी के ऊपर, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करवाओ चीज़ों के अंदर। तो ये सारे काम है किसी फिजिकल एजुकेटर का। लास्ट आता है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जहाँ पे बहुत ही प्रिसाइज्ड नॉलेज वाले लोग जाके उनको पढ़ाते हैं, उनको चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें टीचिंग करियर के अंदर जाना है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, तुम्हें कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेशन इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। और अगर बड़े लेवल जैसे कॉलेजेस में पढ़ाना है, उनको सिखाना है कुछ, तुम्हें पीएचडी होल्डर्स जो होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आगे बढ़ते हैं कोचिंग रिलेटेड करियर्स पे। कोचिंग रिलेटेड करियर्स भी बहुत बड़ा ऑप्शन है जहाँ पे फॉर्मर प्लेयर्स और या तो टीचर्स जनरली कोचेस बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी वाइड स्प्रेड नॉलेज हो जाती है उस चीज़ की जो कि वो इम्प्लाई कर पाते हैं अपने बच्चों पे, अपने ट्रेनीज पे। कोचिंग रिलेटेड करियर के ही कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स, एडमिनिस्ट्रेशन करना यानी जो इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स टीम्स होती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनको मैनेज करना। तो इसके लिए भी कई सारे कोर्सेज किए जाते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्सेज या पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। जिनका मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिजिकल एजुकेशन में भी उन्हें ऑप्शन मिलता है एज अ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या मैं बोलूँ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उनके अंदर देखा होगा आपने एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाया होता है, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, जिनका मेन काम है शेड्यूल्स बनाना, टीचर्स को असाइन करना वो शेड्यूल्स, ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी है कि चूज़ करी जा सकती है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। आगे बात आती है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, जहाँ पे लोगों का काम होता है मेन कि स्पोर्ट्स इवेंट्स को अरेंज करवाना डिफरेंट लेवल्स पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर ही है। यहाँ पे जो डेजिग्नेशंस होती है जैसे कि डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, सब डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये भी ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस है जिसके अंदर हम जा सकते हैं अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, इसका अगर मतलब समझो तो इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है, उसमें
लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और वो फिक्स्ड एक जगह बैठ के काम करते हैं, कंटिन्यूस स्क्रीन्स को देखना या और कोई और जॉब करना, तो उनके लाइफ में ना काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है और वो काफ़ी अनफिट भी हो जाते हैं। तो कई सारी कंपनीज डिमांड करती है ऐसे लोगों की जो कि उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करवा पाए, उनको मोटिवेट कर पाए और ज़्यादा, उनको किसी टास्क में एंगेज करवाए ताकि उनका स्ट्रेस रिड्यूस हो। तो इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन जो कि पूरा कॉरपोरेट सेक्टर की मेन बैकबोन होती है किसी भी इकोनॉमी की, उसको अगर तुम स्ट्रेस फ्री करवा रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है जहाँ पे अच्छा खासा पे भी किया जाता है आप। एंड फाइनली लास्ट आता है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि स्टेडियम्स होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, उनको जो मैनेज करने का काम करते हैं, जो कि उस जगह को मेंटेन करवाएंगे, उनको अप्रोप्रिएट बनवाएंगे किसी स्पोर्ट्स के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक क्रिकेट का ग्राउंड, तो वो कहाँ पे कितनी दूर पे विकेट्स होनी चाहिए, या मैं बोलूँ एक बास्केटबॉल का कितनी हाइट पे हम नेट सेट करें, ये सारा जो काम है वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट का होता है। और वो तभी कर सकता है जब उसको नॉलेज होगी उस बारे में। तो डिमांड करते हैं क्या ऐसा बंदा जो कि फिजिकल एजुकेशन को जिसने एज अ करियर चूज़ किया हो, तो वो इन फील्ड्स में भी बहुत अच्छी तरीके से जा सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ रिलेटेड करियर्स। अगर मैं हेल्थ रिलेटेड करियर्स के बारे में बात करूँ, तो जो कि अभी जितनी भी बीमारियाँ चल रही है, जैसे कि हाइपरटेंशन होना, हाई ब्लड प्रेशर, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होना, फिजिकल इम्पैरिटीज होना या बॉडी का कंपोजिशन ठीक ना होना, तो इन सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास हेल्थ क्लब्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उन लोगों को बीमारियों से दूर करने में, उनको बेटर लाइफस्टाइल देने में, उनको फिट करने में। वो हेल्थ क्लब्स जो होते हैं वो जनरली रीशेपिंग का काम करते हैं पूरे पर्सन का, उनको बीमारियों से हटाना और उनको एक बेटर लाइफस्टाइल के अंदर दोबारा से डालना। सेकंड इसके अंदर आता है एथलेटिक ट्रेनिंग। यहाँ पे इंडिया के अंदर उसका कुछ खास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन बाहर देखा जाए तो ये बहुत एक अच्छा करियर ऑप्शन है जहाँ पे कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स एथलीट्स के साथ काम करते हैं, यानी उनको ट्रेनिंग करवाते हैं और उनका प्राइम काम होता है कि उनकी स्पोर्ट्स इंजरीज या उनका रीहैब, इन सबसे स्पोर्ट्स इंजरीज से बचाना, प्रिवेंशन करना, अगर हो गई तो उनको रीहैब देना, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करवाना। तो अगर इसके अंदर करियर देखोगे तो बहुत बड़ा करियर है। क्लब्स के ही अंदर आते हैं जिम्स वगैरह, और एथलेटिक ट्रेनिंग के अंदर आते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, स्ट्रेंथ कोच, फोर्स एंड कंडीशनिंग कोचेस। आगे बात आती है परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर की। इसका फर्स्ट पार्ट है एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। अगर फिजिकल एजुकेशन है, एथलीट्स का नाम तो आएगा ही आएगा। जितने भी एथलीट्स हैं, उतने भी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं जो कि डिवोट करते हैं अपना टाइम फिजिकल एजुकेशन को लेके, वो भी सारी चीज़ें सीखते हैं, वो अपनी नॉलेज को लगाते हैं, अपनी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं अलग अलग, तो वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। सेकंड इसके अंदर आता है एज अ ऑफिशियल। ऑफिशियल्स मतलब जिनकी वजह से गेम हो पाता है, जैसे कि रेफरीज, जैसे कि जजेस, तो उनका क्या काम है, उनका काम है कि असेस करना अपने जो भी कंपटीशन चल रहा है उनके अंदर जो एथलीट्स आते हैं उनको असेस करो, उनकी मार्किंग करो, उनको अच्छे से देखो, ये भी एक करियर ऑप्शन है। लास्ट हम बात करेंगे करियर इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया। तो फिजिकल एजुकेशन से हम मीडिया एंड कम्युनिकेशन में कैसे जा सकते हैं। फर्स्ट इसका ऑप्शन है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। देखा होगा जब भी कोई मैच स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक बंदा जो कि सबके इंटरव्यूज़ कर रहा होता है, क्या उसको स्पोर्ट्स की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल है। अगर उसको स्पोर्ट्स की नॉलेज होगी, अगर वो फिजिकल एजुकेशन का एक पार्ट होगा, तो वो उससे उसने अच्छे तरीके से क्वेश्चनिंग कर पाएगा, तो भी नॉलेज होना चाहिए। वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म भी एक अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड ऑप्शन है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। फोटोग्राफी की एक एक सेकेंड का जो कि बेस्ट मोमेंट होता है, जैसे किसी ने किक मारा तो किक टच होते ही, जो बेस्ट रिएक्शन दिया तो उस रिएक्शन का उस टाइम पे क्लिक कर लेना, फोटोग्राफी करना, जिसको बहुत प्रेज़ किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। बुक पब्लिकेशन, जहाँ पे बड़े बड़े एथलीट्स के बारे में लिखा जाता है, उनके ऊपर जर्नल्स छपते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, उनका मैगजीन्स बनाई जाती है, तो ये भी एक बहुत ऑप्शन है। फाइनली हम बात करेंगे स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग की, जिसके अंदर जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं उनको ब्रॉडकास्ट करके हम तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं, जैसे ESPN, स्पोर्ट, तो उनके अंदर काम करना वो भी फिजिकल एजुकेशन का ही पार्ट है। करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं चूज़ करने को हमारे पास। जो अच्छा ऑप्शन लगे आपको, आप वो चूज़ कर सकते हैं अपने करियर के लिए। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी कॉम्पिटिशन इन वेरियस स्पोर्ट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एंड खेलो इंडिया प्रोग्राम पार्ट 4
एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फर्स्ट।